तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप के अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक कैनन का अच्छा सा प्रिंटर ले सकते हैं, जो आप ऑफिस में कहीं भी यूज कर सकते हैं, अपने घर पर यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं किस तरह से आप इस प्रिंटर को लें। और मैंने ये मंगवाया है तो मुझे काफ़ी अच्छा इसका जो रिस्पॉन्स मिला, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैंने इस प्रिंटर का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने इस प्रिंटर को करीब एक हफ्ते तक यूज़ किया, तो मुझे बहुत ही अच्छा इसका रिव्यू मिला, बहुत ही अच्छा मुझे इसका रिजल्ट मिला। तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो कैसे आप अच्छा सा प्रिंटर मंगवा सकते हैं, और ये है कैनन का पिक्समा, जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो चलिए इस वीडियो को दिखाते हैं आपको शुरू से। तो जब तक इस प्रिंटर को ओपन करते हैं, तब तक मैं आपको बता दूं कि आप इस प्रिंटर को क्यों लें और किस लिए लेना चाहिए आपको। तो ये जो प्रिंटर है काफ़ी अच्छा है, और इसके जो प्राइस है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो आप इस प्रिंटर को इसलिए ले सकते हैं कि अगर आपको कहीं ऑफिस में वर्क करना है, या आप अपने होम या घर के लिए आप वर्क ले सकते हैं, क्योंकि इसमें स्कैनिंग, इसमें कलर प्रिंटिंग और फोटोकॉपी बहुत ही अच्छी निकलती है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है। तो ये प्रिंटर काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके एक बजट में भी रहेगा, तो बहुत ही अच्छा ये प्रिंटर है। और इसका जो बेट है वो भी काफ़ी अच्छा है, और इसके साथ में आपको मिलते हैं कार्टेज, जो एक होता है ब्लैक और एक होता है कलर। तो ये बहुत ही अच्छा कलर प्रिंटर निकालते हैं, क्योंकि मैं इसका रिजल्ट आपको आखिरी में इस वीडियो के एंड में दिखाऊँगा कि किस तरीके से आप एक अच्छा सा कलर प्रिंटर से निकाल सकते हैं और बिल्कुल सटीक इसका प्रिंट आता है, कहीं भी मिस नहीं होता है। तो बहुत ही अच्छा लगा ये प्रिंटर, और अभी देखना मैं इसे कर रहा हूँ कंप्लीट, इसमें जो कार्टेज है वो लगा रहा हूँ ब्लैक और कलर वाले। उसका आप लोगो देख सकते हैं, ये सामने लिखा है कैनन का, तो ये बहुत ही सही है, इसमें कोई वो फ्रॉड नहीं है कि आप कुछ मंगाते हैं तो कुछ आता है। मुझे इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी लगी, और इसका जो डिज़ाइन, और ये बहुत ही लाइट वेट में बहुत ही हल्का है, तो ये सही है। और इसमें जो बटन्स वगैरह दिए गए हैं फंक्शंस, वो काफ़ी सिंपल है। अगर आपको कलर प्रिंटिंग निकालनी है तो इसके लिए यहाँ पर एक कलर बटन दिया है, अगर ब्लैक एंड वाइट निकालनी है तो यहाँ पर ब्लैक दिया गया। और उसकी एक खास ये बात ये है कि आप इसे USB केबल से जोड़ के अपने फ़ोन के OTG में लगाकर इसे आप अपने फ़ोन से ही प्रिंट कर सकते हैं। तो ये बात मुझे बहुत ही इसकी अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया है, कि मुझे मेरे ऑफिस के लिए चाहिए था, जिसमें मैं लैपटॉप को ना लेकर एक फ़ोन से इसको प्रिंट कर सकता हूँ। तो इसकी जो आप क्वालिटी देख रहे हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ये देखिए, आपको यहाँ बटन मिल जाएगी पावर ऑफ ऑन करने के लिए, और यह है पिक्समा इसका लोगो। तो बहुत ही सही है ये प्रिंटर, आप इसे ले सकते हैं। इसके जो मैंने जो आपको रिव्यू दे रहा हूँ, तो इसकी तारीफ कर रहा हूँ, ये इसकी जो प्रिंटिंग है वो सब देख कर ही आपको मैं ये बता रहा हूँ, आप खुद देख सकते हैं इसे कितना अच्छा है। इसका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, और आप भी इस प्रिंट को जरूर खरीदिए। तब तक के लिए बाय।